नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल, मैं हूं रवि ठाकुर। आज कैसे विराट कोहली के सामने है बॉलीवुड की चुनौती, हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे अक्टूबर में विराट के 31 की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नई लड़ाई की। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम अपने घर पहुंच गई है और अब विराट के सामने कीवी टीम आ गई है। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए विराट ने अभी से अपना प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट मिशन 7 पूरा करना चाहते हैं। आखिर क्या है न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का मिशन 7, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिन बाद विराट की दूसरी चढ़ाई, विराट कोहली 50 ओवर खेल सकते हैं। ये मिशन 7 पर काम कर रही है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आ गई है न्यूजीलैंड की बारी। कलाकारों के बाद अब निकलेगा कीवियों का कचूर। कप्तान कोहली ने तैयार कर लिया है कीवियों के खिलाफ जीत का विराट प्लान। 7 दिन बाद भारत न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आगाज हुआ। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को मुंबई में, दूसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को पुणे में और सीरीज की आखिरी फाइट 29 अक्टूबर को होगी। अगर विराट की कप्तानी में टीम इंडिया विराट की कप्तानी में टीम इंडिया साल 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 5-0 से, साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 5-0 से, साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से, साल 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-1 से, फिर श्रीलंका के खिलाफ 5-0 से और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से सीरीज टीम इंडिया अपने नाम कर चुकी है। इतना ही नहीं, विराट कोहली रिकी पॉन्टिंग से भी बड़े कप्तान साबित हो रहे हैं। वनडे फॉर्मेट में विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 40 में से 31 मैच अपने नाम किए हैं, यानी विराट की कप्तानी में भारतीय टीम को 79.48% कामयाबी मिली है और कप्तान कोहली की नजर इस रिकॉर्ड को और भी ज्यादा विराट बनाने पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कप्तान कोहली व्हाइट वॉश के इरादे से मैदान पर उतरेंगे, ताकि एक बार फिर ये साबित किया जा सके कि आखिर रैंकिंग में टीम इंडिया टेस्ट के साथ साथ वनडे में नंबर 1 टीम क्यों है। वैसे भी टीम इंडिया के बल्लेबाज और युवा गेंदबाज जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़24। और अब बात उस रिकॉर्ड की जिसे तोड़ने के लिए विराट को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते थे, पर ऐसा हो ना सका। अब सामने कीवी टीम है और कप्तान कोहली इस बार चूकना नहीं चाहते हैं। दिवाली के बाद कोहली देंगे विराट गिफ्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरा नहीं हुआ सपना, अब कीवियों के खिलाफ पूरा होगा विराट का प्रतिशोध। न्यूजीलैंड पर पड़ेगी 31 की करारी मार। दिवाली के बाद विराट के बल्ले से होगी रनों की आतिशबाजी। विराट आतिशबाजी में पॉन्टिंग का टूटेगा रिकॉर्ड।
सचिन के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में कोहली बनेंगे सिकंदर। बाईस अक्टूबर को वानखेड़े में विराट रचेंगे इतिहास। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ना लगा पाने का मलाल हमेशा रहेगा। कोहली के पास मौका था रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने का, लेकिन विराट को ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विराट अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शतकीय पारी खेलने में कामयाब होते हैं तो फिर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 वनडे शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है। 30-30 शतक विराट कोहली और रिकी पोंटिंग के नाम दर्ज हैं। 31वां शतक लगाते ही विराट कोहली सचिन के बाद वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा शतकवीर बन जाएगा। क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि विराट दिवाली से पहले हिंदुस्तान को गिफ्ट देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का बल्ला शतक बनाने से चूक गया था। विराट अब दिवाली के बाद फैंस को वनडे में 31वें शतक का गिफ्ट देंगे। वनडे में विराट के नाम 30 शतक हैं, जिसमें 8 श्रीलंका के खिलाफ, 5 ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज के खिलाफ 4, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ 3।